चिड़ावा शहर में शुद्धता और विश्वास का जाना पहचाना नाम होटल राज मंगलम। यहाँ मिलेगी आपको रहने और खाने की शानदार व्यवस्था, वो भी किफायती रेट पर। यहाँ मिलेगी आपको विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी या अन्य कार्यक्रम के लिए ग्रीन मैरिज गार्डन के साथ ओपन गार्डन की सुविधा। क्यों, है ना खुशी की बात। सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आपके अपने राजमंगलम होटल पर। तो फिर देरी किस बात की, चले आइए आपके अपने राजमंगलम होटल पर। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ शिव नगरी टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप लोग जुड़ चुके हैं और इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं शिव नगरी टाइम्स के स्टूडियो रूम से। बिल्कुल, आज पिलानी विधानसभा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और यूं कहें कि पिलानी विधायक, वर्तमान विधायक पितराम काला और प्रत्याशी रहे, भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश दहिया आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मामला भी बड़ा ही है। 62.5 लाख रुपए की एक रोड का आज उद्घाटन हुआ है। उस रोड का उद्घाटन हुआ है जो रोड बनी ही नहीं, जिसका काम शुरू हुआ ही नहीं। बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। पिलानी के पास ही नजदीकी गांव है डुलानिया, एक पास में ही गांव है लोहारू रोड पर डुलानिया, और डुलानिया बस स्टैंड से नाथाना जोहर एक सरकारी स्कूल है, वहीं पर पब्लिक स्कूल है, वहां तक की एक रोड बननी है और जिसका 2024-2025 के बजट के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी उस रोड का निर्माण होने की। बिल्कुल, 62.5 लाख रुपए की लागत से ये रोड बनेगी, ये अच्छी खबर है। और दुखद खबर ये थी पहले कि वो रास्ता जो है वहाँ से स्कूली बच्चे, आम राहगीर उससे परेशान होते थे। जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश का पानी वहाँ पर जमा हो जाया करता था। बिल्कुल, लोगों ने अवगत करवाया भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया को और उन्होंने अपने ऊपर तक संपर्क किए और प्रयास किए और उसका नतीजा ये निकला कि 2024-25 के बजट घोषणा पत्र के अंदर जो है उस रोड को बनाने के लिए 62.5 लाख रुपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिली, घोषणा की उन्होंने तब वहां पर मिली। बिल्कुल, अब बात यहां पर आ जाती है कि आज बुधवार को 25 सितंबर को आज पिलानी विधायक पितराम काला ने उस रोड का उद्घाटन कर दिया है। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, सिलिका पट्टी का जो लगी हुई है और वहां पर तमाम जो है कांग्रेसी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, विधायक पितराम काला के जहां से खबर जो भेजते हैं वहां से भी एक खबर आई, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि उद्घाटन किया गया इस रोड का। कुछ देर बाद जो है उस खबर को डिलीट करके दोबारा दूसरी खबर भेजी गई, उसमें लिखा गया लोकार्पण किया गया, लेकिन लोकार्पण जो है वो भी हेडिंग के अंदर लिखा गया, वो आप देख ही रहे होंगे। फिर नीचे लिखा गया दोबारा से उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, ये आपको बता देता हूँ कि आप सभी समझदार है और अपने लोगों से ज्यादा समझदार तो जनप्रतिनिधि होते ही हैं, तो और पढ़े लिखे विधायक है हमारे पितराम काला, तो वो तो हम लोगों से, आप लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। हो सकता है हम लोग जो है त्रुटि कर रहे हो समझने के अंदर, समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विधायक से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये है कि बात आपको बता देता हूँ कि एक किसी भी चीज का निर्माण होना और उस निर्माण का पूरा हो जाना, उसके बाद उसका उद्घाटन होता है, उससे पहले आप लोग उसका शिलान्यास कर सकते हैं। बिल्कुल, होता भी है और ऐसा ही होता हुआ आ रहा है और यही देखते आ रहे हैं, इसके मायने भी यही है। अब बात यही आ जाती है कि 62.5 लाख रुपए की रोड जो बनी नहीं, जिसका काम शुरू नहीं हुआ और उसका आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या जनता के साथ मजाक कर रहे हैं या फिर आप केवल अपना नाम जो है पत्थरों पर लिखवाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल जो है वो निकल कर आ रहा है, जनता पूछना चाह रही है, जनता पूछ रही है कि क्या चाह रहे हैं आप लोग, केवल नाम लिखवाना चाह रहे हैं, काम हुआ नहीं, उसका उद्घाटन कर दिया आपने। अक्सर हम लोग सुनते आ रहे हैं, अक्सर देखा भी होगा आप लोगों ने, काफी जगह काफी ऐसे घोटाले सामने आते हैं कि रोड बनी नहीं, रोड का पेमेंट उठा लिया गया। काफी नगर पालिकाओं में, काफी विधानसभा में ऐसा देखने को सुनने को मिलता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो यूं कि जिस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जो रोड बनकर पूरी नहीं हुई, उसका आप उद्घाटन कर रहे हैं, उस पत्थर पर आप उद्घाटन नाम लिख रहे हैं, तो ये इससे बड़ा मजाक जनता के साथ और क्या होगा, वो आम राहगीरों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ इससे बड़ा मजाक और आप क्या करेंगे। पढ़े लिखे विधायक है और आप ऐसा काम कर रहे हैं तो बात तो कहीं ना कहीं ऊपर तक जाएगी ही और बिल्कुल जा भी रही है। इस पूरे मामले को लेकर
भाजपा प्रत्याशी रहे पिलानी से और राजेश दहिया भाजपा जिला महामंत्री, उनका एक बयान जो है वो सामने आया है और वो सुनाते हैं आपको वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दुलानिया गांव में आज जो सड़क का उद्घाटन किया गया है माननीय पिलानी विधायक पितराम जी काला के द्वारा, उस विषय में मेरा तो इतना ही कहना है, माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के तहत ये सड़कें, प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, उसके माध्यम से सड़कें पास हुई थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस सड़क का शिलान्यास ही नहीं हुआ, जिसका काम ही चालू नहीं हुआ, वहाँ पे जाकर के पट्टी लगाना, कार्यक्रम करना, उसका उद्घाटन करना, जनप्रतिनिधियों को बुलाना, इस प्रकार की भ्रांति फैलाना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। माननीय विधायक महोदय, शिक्षा विभाग जो कि बहुत एक बड़ा विभाग होता है, शिक्षा विभाग के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, जिम्मेदार पद पे विधायक महोदय हैं, इस प्रकार का कार्य करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ये अपना काम करें, उसी का श्रेय लें, राज्य सरकार के द्वारा किया गया काम उसका श्रेय नहीं ले सकते, ये बहुत ही गलत है। धन्यवाद।